फतेहाबाद के भुना कस्बे में खैरी रोड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी दो पिकअप गाड़ियों को कब्जे में लिया। दोनों गाड़ियों के चालकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि दोनों गाड़ियां हिसार क्षेत्र से अवैध शराब लेकर पंजाब जा रही थी। डीएसपी जगदीश काजला ने बताया कि पुलिस टीम ने नाकेबंदी के दौरान दो गाड़ियों की चेकिंग की तो उसमें से अवैध शराब बरामद हुई। दोनों गाड़ियों से हरियाणा मार्का की 480 पेटियों में करीब 5,700 देसी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। डीएसपी ने बताया कि दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और अवैध शराब की तस्करी के आरोप में केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही की जा रही है। ये कल शाम को करीब 10:30 बजे से सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र और हेड कांस्टेबल ये कृष्ण कुमार इनके पेट्रोलिंग पर थे तो इन्होंने दो गाड़ियां जो है ना टाटा ये पिकअप वो रुकवाई थी और वो उनको रुकवा के चेक किया तो उसके अंदर नजायज जो देसी शराब वो बरामद हुई है वो पकड़ के ना उसके खिलाफ कार्रवाई की। शराब तस्करी के लिए ही जा रही थी ये कहीं शुरुआती पूछताछ पर उन्होंने बताया भी शिवानी किसी आदमी से लेके आए हैं और दोनों गाड़ियों के अंदर करीब 240-240 पेटी शराब देसी है तो बुढ़लाडा लेके जा रही थी पंजाब। हरियाणा के मार्का हैं कई चार्ली वगैरह कई टाइप के मार्का हैं देसी शराब अचानक जो ना वो चेकिंग कर रहे थे दौरान चेकिंग ही रोड पे मिले हैं तो उनको दोनों गाड़ियों में एक एक लोग हैं ड्राइवर हैं दोनों।